हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल न्यूज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज्वाइंट फोटो कैसे बनानी है आपको। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। उसके बाद हम स्कैन की हुई फोटो, दो अलग अलग फोटो को मर्ज करेंगे एक में। तो फोटो हम ओपन कर रहे हैं। अब इन दोनों फोटो को अलग अलग हमने स्कैन किया है और एक साथ इन फोटो को मर्ज करना है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो फोटो को कैसे मर्ज किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपन। तो पहले हमें इन दोनों फोटो का एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट हमारा हो चुका है, हमारे पास दो हो चुके हैं। ये आप शॉर्ट है, आप यहां से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों पे अलग अलग वर्क करना है। अब इस वाली फाइल पे इस फोटो वर्क करेंगे, इस वाली फाइल में इस फोटो पे वर्क करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। इसको पासपोर्ट साइज पहले क्रॉप करना है, तो अपन क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और फोटो को क्रॉप करेंगे। एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करना है, जैसा भी हो। और फिर अपन कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे, इससे ऑटो लाइट फोटो पे पड़ जाएगी। और इसके बाद अपन कटिंग टूल उठाते हैं। कटिंग टूल अपने उठाया और फोटो की कटिंग करना हमने शुरू कर दिया है। कटिंग टूल की सेटिंग नहीं है, हमें सेकंड नंबर पे क्लिक करके फिर अपना कटिंग टूल चालू करना है। तो कटिंग एकदम आराम से करनी है और एकदम परफेक्ट करनी है। ताकि हमारी जो फोटो है वो परफेक्ट कट हो सके। हेयर कट, फेस कट, सारे कट पे आपको ध्यान से कट करना है। थोड़ा समय लगेगा बट फोटो बहुत अच्छी ही बनेगी। इसके बाद अपने इसको इससे मैच करा के, और जो यहाँ पे फेदर देना है वो 3.2 का देना है। ये फोटो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब अपन इस फोटो को वर्क करते हैं। सेम प्रोसेस, पहले अपने को कटिंग करनी है। तो कटिंग टूल हमने लिया, कटिंग करना एक स्टार्ट कर दिया। इस फोटो पे कटिंग बहुत फास्ट हो गई है। इसके बाद आपको दोनों फोटो हमारी कटिंग हो चुकी है। कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करना है और एक फाइल ओपन कर लेना है। फाइल को पासपोर्ट साइज में क्रॉप कर देना है और रोटेट कर देना है। और इसके बाद इसमें आपको किस कलर का बैकग्राउंड देना है वो आपको इसमें चूज करना है। तो बैकग्राउंड हम रेड बैकग्राउंड देंगे इसमें। फिर अपन रेंडर पे जाके लाइट इफेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड का फर्क आप देख सकते हैं। आपको फोटो को क्लिक करके जस्ट अ मिनट, तो इसमें लेयर बन चुकी थी तो हमने लेयर को हटा दिया है। अब आपको फोटो को उठा के रख देना है यहाँ पे। सेम प्रोसेस, एफ प्रेस करना है, दोनों फोटो को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट
आपको साइज सेलेक्ट करना है। अब साइज एडजस्टमेंट करना है इसमें, किस फोटो को किस साइज पे रखना है। एडिटिंग का वर्क हम लास्ट में करेंगे फोटो को ऐड होने के बाद। फर्स्ट प्रायोरिटी हम फोटो सेटिंग में देंगे, और इसके बाद ये बहुत भद्दा कर लग रहा है तो हमें यहाँ पे इरेजर टूल लेना है। इरेजर टूल की जो ओपेसिटी है इसको अपन कर देते हैं 37 47। मास्क अपन चेंज कर दिया है यहाँ से। ताकि फोटो पहले से बेटर दिख सके। उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे बेकार दिख रहा है, इसलिए अपन इस फोटो पे क्लिक करेंगे, ये टूल को लेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे ताकि ये मैच हो सके। अब हमारी फोटो सेट हो गई, तैयार हो चुकी है। अब बारी रह गई है तो फोटो को क्लियर करने की। चलिए शुरू कर देते हैं अपन। हम पहले इस फोटो को वर्क करेंगे, वही कंट्रोल अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। इसके बाद आपको इनके दाग सही करने हैं, फेस के दाग। तो टूल्स आप देखते जाइएगा किस टूल से वर्क कर रहे हैं। हम ब्रिशिंग टूल यूज करेंगे ताकि फोटो को फास्ट एडिट किया जा सके। इसका ओपेसिटी हमें कम करना है, फोटो काफी रफ एंड टफ है। उसके साथ ही फोटो के दाग कम हो चुके हैं और बारी है फोटो को और क्लीन करने की। तो इस पर हम फिल्टर कवर करेंगे। फिल्टर हमारा चल चुका है। इसके साथ ही और कई सारी चीजें से बची हुई है तो वो पूरी करेंगे अपन। हमें थोड़ा सा यहाँ पे दाग दिख रहा है तो उस दाग को क्लीन करेंगे ब्रशिंग टूल्स के माध्यम से। इसमें हमें हेयर को ब्लैक करना है। और अब हमें दोनों फोटो को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद फिर से फिल्टर अप्लाई करना है। ये हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया है और थोड़ा सा फोटो को कंट्रास्ट करना है जिससे कि और परफेक्ट दिख सके। तो ये फोटो हमारी तैयार हो चुकी है। हमने कंट्रोल और शिफ्ट ई प्रेस किया, हमारी फोटो पूरी पूरी मर्ज होकर सेव हो चुकी है। अब ये फोटो पासपोर्ट साइज पे रेडी है। तो अब इसको पासपोर्ट फोटो हम बना के क्लियर कर लेते हैं। तो इस फोटो को अपन सेव कर लेंगे। सेव करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। फाइल नेम देना है, जेपीजी सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है।
इसके बाद आपको कंट्रोल ए सेलेक्ट करके स्ट्रोक दे देना है, स्ट्रोक आपको देना है ब्लैक और 6, रोटेट करना है और 6 साइज का पेज आपको ओपन करना है। और ये हमारी फोटो बनके तैयार हो चुकी है। जस्ट अ मिनट, हमें इंच पे करना है 4 to 6 00। ये हमारा पेज तैयार हो गया और ये हमारी फोटो बन के रेडी हो चुकी है। तो हमारी ये फोटो जो है मर्ज होकर तैयार हो चुकी है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में आपको लगा कि आप कुछ सीखे हैं, तो हमारी वीडियो को मतलब सपोर्ट करिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही हमारे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।